एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने सुपरस्टार की माँ का किरदार निभाया, ऐसी अभिनेत्री जिन्हें सिल्वर स्क्रीन की माँ होने का खिताब दिया गया। उन्होंने कुछ इस तरह से माँ का किरदार निभाया कि फिल्मों में जब भी माँ का नाम आता, उन्हीं का चेहरा लोगों के सामने आ जाता। चाहे अमिताभ बच्चन हों, शशि कपूर हों या फिर धर्मेंद्र, सभी की माँ का इन्होंने किरदार निभाया है। हम बात कर रहे हैं निरूपा रॉय, जो कि पर्दे पर एक ममता की मूरत बनकर उभरी। निरूपा रॉय हिंदी सिनेमा की वह नाम है जिसे हमेशा ही बहुत इज्जत से लिया गया। यूं तो बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने माँ के किरदार निभाए और अपनी एक्टिंग से उन किरदारों को जीवंत किया, लेकिन निरूपा रॉय एक ऐसी अदाकारा रहीं जिन्हें बॉलीवुड की माँ के रूप में पहचाना जाने लगा। सिल्वर स्क्रीन पर गरीब और मजबूर माँ का चित्रण जैसा निरूपा रॉय ने किया, वैसा कोई भी दूसरी अभिनेत्री नहीं कर पाई। निरूपा रॉय अपने किरदारों में कुछ इस तरह डूब जाया करती थी कि लोग उनकी मजबूरी और ममता को देखकर रो पड़ते थे। यही वजह थी कि बॉलीवुड में उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में हुआ था। बचपन में इनका नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। जब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी, तभी उनकी शादी कमल रॉय से कर दी गई थी। शादी के कुछ सालों बाद इन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के बारे में सोचा और अपने पति के साथ मुंबई आए। इनके 2 बच्चे हुए, बेटा योगेश रॉय और बेटी किरण रॉय। एक दिन उनके पति ने एक अखबार में गुजराती इश्तिहार देखा, जहां पर एक गुजराती नाटक कंपनी को कलाकारों की ज़रूरत थी। निरूपा रॉय ने इस गुजराती नाटक कंपनी में ओपन ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। इसी के साथ इन्हें रणदेवी नाम की गुजराती फिल्म में भी काम करने के लिए सिलेक्ट किया गया। उसके बाद इसी साल इन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम किया। आपको बता दें कि निरूपा के साथ उनके पति कमल रॉय ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके बाद निरूपा रॉय फिल्म उद्धार में नजर आई। इसके बाद अगले 2 सालों तक निरूपा रॉय की कोई भी फिल्म नहीं आई, लेकिन 1991 में उन्होंने राम जन्म की एक फिल्म में काम किया। निरूपा रॉय की फिल्मी करियर को शुरू हुए 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था और ना ही इन्हें इनके काम की वजह से पहचान मिल रही थी। लेकिन फिर साल 1953 में रिलीज हुई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में निरूपा रॉय ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारे फिल्मों में लॉजिकल किरदार निभाए थे। उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में यह एक हिंदू देवी के रूप में नजर आती थी और देवी का किरदार इतने सशक्त तरीके से निभाती थी कि लोग इन्हें वाकई में देवी मानने लगे थे। उनके घर पर लोग उनसे आशीर्वाद लेने आ जाया करते थे। निरूपा रॉय ने सिर्फ 1 या 2 फिल्मों में नहीं, बल्कि पूरी 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया था और अपने किरदार से इन्होंने लोगों को इस तरह लुभा लिया था कि लोग इन्हें सच में देवी समझने लगे थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भारत भूषण हो या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ काम किया था। त्रिलोक कपूर के साथ तो निरूपा रॉय की जोड़ी कुछ ऐसी जमती थी कि इन दोनों ने साथ में 18 फिल्मों में काम किया। लेकिन बॉलीवुड में जब 70 के दशक में पहुंचा, तब तक काफ़ी कुछ बदलने लगा था और फिल्मों के हिसाब से किरदारों की डिमांड भी चेंज हो गई थी। हिंदी सिनेमा रोमांटिक फिल्मों से हटकर एंग्री यंग मैन बेस्ड फिल्मों पर काम करने लगा था। अमिताभ बच्चन जैसा एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था और इस नए सुपरस्टार के माँ के रोल में अमर हुई निरूपा रॉय। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार में निरूपा रॉय, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की माँ के रूप में नजर आई थी और इस किरदार में इन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी कि इसके बाद बॉलीवुड में माँ के किरदारों में ही नजर आने लगी और इन्हें बॉलीवुड की माँ कहा जाने लगा। अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय के माँ बेटे का रिश्ता सिनेमा के चाहने वाले लोगों को बहुत पसंद आया। निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन की माँ बेटे की जोड़ी को किस कदर पसंद किया गया था, इसकी मिसाल थी साल 1999 में आई फिल्म लाल बादशाह। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी की शुरुआत थी और इसमें भी उनकी माँ का किरदार निरूपा रॉय ने ही निभाया था। देवानंद और धर्मेंद्र सहित उस समय के कई सुपरस्टार की माँ निरूपा रॉय बना करती थी, या फिर यह कहा जाए कि जिस भी फिल्म में माँ का रोल होता था उसके लिए निरूपा रॉय को ही चुना जाता था। निरूपा रॉय अकेली ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने धर्मेंद्र की माँ का किरदार भी निभाया था और उनके बेटे सनी देओल की माँ का किरदार भी निभाया था। सन 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने देवानंद की माँ का किरदार भी निभाया था, जबकि निरूपा रॉय की उम्र देवानंद साहब से सिर्फ 8 साल ही कम थी।
निरूपा रॉय ने अपनी अच्छी एक्टिंग के लिए कई अवार्ड जीत। साल 1955 में मुनीम जी, साल 1962 में आई छाया और 1962 में रिलीज हुई फिल्म शहनाई के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। दीवार फिल्म में उनके ज़बरदस्त काम के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 2003 में इन्हें फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान भी दिया गया था। लगभग 60 सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों में काम करने वाली निरूपा रॉय ने 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। निरूपा रॉय के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने माँ और ममता, घर घर की कहानी, पूरब और पश्चिम, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, बेताब, सरफरोश, गिरफ्तार, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, इंतज़ार, प्रतिकार, गंगा तेरा पानी अमृत, आंसू बने अंगारे, बेजुबान, कौन अपना कौन पराया और जहां तुम ले चलो जैसी फिल्मों में काम किया। उनके करियर की आखिरी फिल्म लाल बादशाह थी, जो साल 1999 में आई थी और इसमें अमिताभ बच्चन की ही मां बनी थी। 80 का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक में ये सिर्फ 5 फिल्मों में ही नज़र आई थी और ये 5 फिल्में भी 90 के दशक के अलग अलग सालों में रिलीज़ हुई थी। 13 अक्टूबर 2004 को निरूपा रॉय अपने मुंबई स्थित घर में अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई। डॉक्टरों ने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें बचाने की कोशिश नाकामयाब हुई और आखिरकार 73 साल की उम्र में निरूपा रॉय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि निरूपा रॉय अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके बेटे योगेश और बेटी किरण के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ। ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मीडिया ने इनके बारे में खूब बातें उठाई थीं। इनके दौर की ही एक और अभिनेत्री थी जिनका नाम श्याम था। श्याम से निरूपा रॉय की बहुत गहरी दोस्ती थी। जब निरूपा रॉय की मृत्यु हुई तो श्याम बेहद फूट फूट कर रोए। निरूपा रॉय इस दुनिया को तो छोड़कर चली गई, लेकिन बॉलीवुड में वो एक माँ के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगी। अपनी बेमिसाल एक्टिंग से निरूपा रॉय ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। जब भी बॉलीवुड में माँ का किरदार आएगा या माँ की बात चलेगी तो निरूपा रॉय का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।